ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। सत्संग को स्किप मत करिए क्योंकि सत्संग को लास्ट तक आप सुनेंगे तभी ही आपको गुरु जी की ब्रेसलेट की महिमा का पता लगेगा। सत्संग लास्ट तक सुनिएगा, स्किप मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये सत्संग हमारे साथ कानपुर से अंकल जी ने शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग सत्संग बहुत सारे हैं। मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ था 2022 दिसंबर नवंबर के महीने के आसपास एंड अक्टूबर के आसपास एंड मेरा गुरुजी से बेसिकली कनेक्शन खुद में एक बहुत बड़ा सत्संग है। क्या हुआ कि मैं YouTube चला रहा था एंड YouTube से ना मैं कुछ स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से ना गुरुजी का मेरा वीडियो दब गया। वो जो गुरुजी का एक वीडियो आता है रिकमेंडेशन में, वो दब गया। खैर उस टाइम मैं जानता तो था कि गुरुजी कैसे हैं, कौन हैं, बट क्योंकि हमारे नेबर्स में बहुत लोग गुरुजी को मानते थे इतना तो मेरे को पता था कि गुरुजी, बट हम लोग उतना सत्संग में नहीं गए कभी या उसमें नहीं गए। जो मेरा पर्सनल कनेक्शन है तो क्या हुआ, वो सत्संग का वीडियो दब गया एंड उस सत्संग के वीडियो के बाद से मेरा असली गुरुजी के साथ कनेक्शन स्टार्ट हुआ। मेरे गुरुजी से कनेक्शन स्टार्ट हुआ, उस वीडियो ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। खैर मैं उतना लाइक पूजा पाठ वाला नहीं था बट आई डोंट नो व्हाई मेरा गुरुजी से बहुत जल्दी कनेक्शन हो गया। वो वीडियो सुन के शायद मेरे दिल, मतलब वैसे भी अगर मैं उनका फ़ोटो देखता था ना तो लगता था कि मेरे को कुछ ना इनके पास आने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है कुछ। गुरुजी का ऐसा स्वरूप होता है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड सोल्स अपने आप अटैच हो जाती हैं। जो गुरुजी को जानता भी नहीं होगा ना, अगर वो गुरुजी का स्वरूप भी देख लेंगे वो खुद अटैच हो जाएंगे क्योंकि गुरुजी में एक ऑरा है, डिवाइन ऑरा है। उनके स्वरूप को आप देखते हो तो लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हो। आप बड़े मंदिर जाओगे तो अभी आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके आँख से आंसू आते हैं, प्रॉब्लम्स भूल जाते हो क्योंकि गुरुजी की डिवाइन ऑरा बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। अच्छा, और बहुत ही ना बहुत डिवाइन ऑरा, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो बेसिकली मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ था, तो एक तो ये था। और जब मैंने वीडियो सुना सत्संग का तो मेरा कनेक्शन हुआ। फिर तीसरी चीज़ जो थी मेरी, मेरा रिजल्ट आने वाला था इंग्लिश का एंड शायद मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया था, मेरे कुछ क्वेश्चंस जो थे छूट गए एंड मेरे को तो लग रहा था कि भाई अब तो नंबर कम है, बट मैंने सत्संग इतने सुन रखे थे इतने सारा कि मेरे को लगने लगा कि नहीं ये पॉसिबल है, गुरु जी कर सकते हैं, गुरु जी चाहे तो कुछ भी, मतलब मैं उनसे बोलूँगा तो लाइक He will help me। मेरे अंदर से एक इंट्यूशन थॉट आया एंड मैंने गुरुजी को जाके बता दिया कि लाइक एक सरेंडर कर दिया, मैंने बोल के सरेंडर कर दिया कि गुरुजी अब आप देख लेना, मतलब मेरा रिजल्ट जैसा भी होगा मैं आप पे वो कर रहा हूँ। एंड जब रिजल्ट का टाइम आया पेपर शोइंग का तो मैंने मंत्र जाप शुरू कर दी थी और जैसे ही पेपर रिजल्ट में रखा, जो मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट किए थे उससे 10 गुना अच्छे मार्क्स मेरे आए और मेरे को बिलीव नहीं हो पाया क्योंकि मैंने पेपर वेपर पूरा चेक किया दोबारा से, तो मैं कैलकुलेशन किया तो मार्क्स वही बन रहे थे और मैंने देखा कि कितने क्वेश्चंस मिस हुए हैं, वो तो कैसे, फिर मतलब मैं शॉक्ड रह गया कि वो जो मार्क्स मैं देख रहा था इतने बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चंस में जो छूटे हैं वो दो दो तीन तीन नंबर के हो गए थे। पता नहीं कैसे कैसे हो गया बट वो दो तीन नंबर के मैंने क्वेश्चन छोड़े थे, जब मैंने देखा तो वो 5 नंबर से कुछ उससे ज़्यादा ही होंगे। तब से मेरा गुरुजी के साथ असली कनेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर धीरे 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 मैं सत्संग सुनता रहा, लाइफ एकदम स्टेबल होती गई। फिर मेरे एग्ज़ाम्स
भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। क्या बोलते हैं मेरा, फिर क्या हुआ कि अब आता है मेरा जो मेन कनेक्शन था गुरुजी के साथ। वो कभी कभी होता है ना कि जब लाइफ एकदम स्टेबल चल रही होती है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स एकदम अच्छी, तो हम उतना गुरुजी पे फोकस नहीं कर पाते। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मेरा लाइफ एकदम स्टेबल चल रहा था बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग्स, बट पता नहीं क्या धीरे धीरे मेरा और गुरुजी का कनेक्शन फिर वापस से बैक हो रहा था। पता नहीं क्या होने लगा, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करने लगा। मतलब ऐसा नहीं कि गुरुजी नहीं मतलब हैं तो लाइफ, गुरुजी हैं तभी भी बहुत अच्छा लगता है, लाइफ हम एंजॉय करते हो, बट एक होता है ना कि मैं अपनी खुद की जो लाइफ थी वो उस पर फोकस करने लगा, मैं स्पिरिचुअल से थोड़ा मेरा दूर कनेक्शन होने लगा। तो वही हुआ मेरे साथ भी, मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, अच्छा लगा मेरे को सुन के, बट मेरा एग्ज़ाम जब आया मेरा जो गुरुजी का वो था, तो गुरुजी बोलते ही थे खुद कि अगर मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा तो तुम लोग मेरे को भूल जाओगे, इसलिए मैं तुम लोग के 10% देता हूँ कि उस 10% में एटलीस्ट तुम लोग मेरे को तो याद रखोगे। तो वही मैंने भी गुरुजी के साथ वो किया, कनेक्शन किया, फोकस हुआ मेरा गुरुजी के साथ। मेरा एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा राइट साइड का जो लंग्स था उसमें थोड़ा सा ना वो हो गया था, वो मतलब बेसिकली वो क्या बोलते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, लाइक उसका ना कोलैप्स हो गया था वो, और उसमें बहुत ज़्यादा हवा जम गया था। आई डोंट नो कैसे पोर्स जो होते हैं हमारे लंग्स के, जब वो फट जाते हैं तो धीरे धीरे एयर बनने लगता है, एयर ब्लीड होने लगता है, और मेरा वही हुआ कि एयर जो था वो भरने लगा और उसकी वजह से मेरे लंग्स को बार बार प्रेशराइज हो रहा था, तो उसकी वजह से बहुत पेन होता था। तो डॉक्टर ने खैर बोला कि बट लेकिन वो ठीक हो सकता है, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा केस आता है जिसमें लोगों की 2-3% ऐसा केस आता है जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है, बट डॉक्टर ने बोला था ठीक हो जाएगा, हम मेरा पाइप डालो, पाइप के थ्रू एयर निकाला। फिर मैंने सोचा कि अगर ये मेरा 10% था तो आप लोग इमेजिन करिए 90% गुरुजी ने जो मेरा बुरा कर्म अपने ऊपर ले रखा है, एंड नॉट ओनली मेरा, सबका, कितने लाखों से ज़्यादा संगत हैं उनका गुरुजी ने 90% जो है बुरा कर्म अपने ऊपर ले रखा है। हम लोग का तो 10% में हालत वो हो जाता है, पर उन्होंने तो फिर भी अपने ऊपर 90% ले रखा, 90% के साथ भी वो हम पे फिर भी अपनी इतनी ब्लेसिंग्स बनाते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ तो गुरुजी से मांगते ही हैं, पर जो चीज़ हम कर सकते हैं हम लोग उसमें भी गुरुजी की मदद ले देते हैं। जैसे कोई सामान खो जाता है, छोटा मोटा चीज़ हो जाता है, तो भी हम गुरुजी की हेल्प ले लेते हैं, बट फिर भी गुरुजी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ में हमारी मदद करते हैं। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो भी हम गुरुजी को बोल देते हैं कि गुरुजी आप मदद करो, फिर भी, और उसके बाद भी गुरुजी हमारी मदद करते हैं। जब मैंने अपनी लाइफ पूरी गुरुजी पर टोटल सरेंडर करी, मेरा कुछ कुछ सामान खो जाता था, छोटा छोटा चार्जर खोना, कभी कभी कुछ फाइल वाइल खो जाता था वो स्कूल का एंड ऑल दैट, तो मेरे को लगता था कि कहाँ ढूंढूँ, पर जब मैं गुरुजी का नाम लेता था, गुरुजी को बताता था, तो सामने पास में ही होता था, मैं ढूंढ लेता था आसानी से। ऐसा लगता था कि जो चीज़ मैं ना मतलब मैं बिन बोले जो मैं मांगता था गुरुजी फट से सुन लेते थे, मेरे दिमाग में चल ही रहा होता है कि वो सामान खो गया, मेरे सामने तब तक वो आ जाता था। तो बहुत ही टोटल सरेंडर यही होता है ना कि वो, आप ऐसा नहीं कि टोटल सरेंडर कर दोगे तो आपकी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। टोटल सरेंडर करना मतलब आपका लाइफ जो है बहुत अच्छा भी रहता है, और थोड़े लेसन्स भी आपको सीखने को मिलते हैं, और वो लेसन्स होते हैं कि आप ज़िंदगी से सीख पाओ, एक्सपीरियंस ले पाओ, और आप गुरुजी को ना भूल पाओ। और क्योंकि हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं हम तभी तो गुरुजी को याद करते हैं, ऐसे हम कहाँ याद करते हैं। जो एकदम साथ संगत अच्छे संगत होते हैं वो लोग सेवा में लगे रहते हैं, बट हम लोग का तो यही रहता है कि जैसी कोई प्रॉब्लम आती है गुरुजी से कनेक्ट कर लो, बट वो मेरे साथ होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे साथ होता, बट अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे गुरुजी के साथ बहुत डीप कनेक्शन हो गया। मेरा जब भी मैं कोई स्टेप ले रहा होता हूँ मेरे को गुरुजी की इनर वॉइस आता है कि ये मत कर, ये कर ले, ये मत कर, ये कर ले, कैसे पढ़ाना, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब में गुरुजी गाइड करते हैं, ड्रीम दर्शन दे के गाइड करते हैं। फिर अभी हाल ही में मेरी बहन जो थी, उन एक और सत्संग है कि मेरी बहन जो थी उसका क्या हुआ, वो कार से उसका एक्सीडेंट हो गया,
उसका क्या हो गया कि जो पीछे वाला हेड है उसमें बहुत बड़ा चोट लग गया, और वो चोट अगर थोड़ा सा 1 इंच भी बढ़ जाता तो 6 महीने तक मेरी बहन का मेमोरी वो हो जाता ख़राब, मेमोरीज दिक्कत हो जाती, कुछ याद नहीं रह पाता, थोड़ा मेंटल वो हो जाता। पर फिर भी गुरुजी की कृपा से वो चोट 1 इंच भी नहीं बढ़ा, और वो मिरेकल था, सच में लोग बोल रहे थे मिरेकल है। एंड जब उसी टाइम हमारी बहन का ये सब हुआ तो मैंने जो है क्या बोलते हैं गुरुजी से प्रेयर किया कि उसी टाइम जो है मैंने गुरुजी से प्रेयर किया कि मेरी बहन मतलब बहन का वो रक्षा करना गुरुजी। एंड उस टाइम हम लोग प्रेयर कर रहे थे तो हम लोग उस टाइम हमारे पास स्वरूप था, तो लॉकेट स्वरूप होता है, मतलब लॉकेट नहीं ब्रेसलेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप था हमारे पास, क्योंकि उस टाइम स्वरूप नहीं था। शायद गुरुजी की नई मर्जी थी कि वो स्वरूप में आए, तो हम गुरुजी की यही मर्जी थी कि हम ब्रेसलेट स्वरूप में उनको प्रेयर करें। तो ठीक है, हमने ब्रेसलेट स्वरूप से उनकी प्रेयर की। जब हम कर रहे थे तब तक 4-5 मिश्री पीछे से निकली, और कितना मतलब उस टाइम तो मेरा और डीप कनेक्शन हो गया गुरुजी के साथ, क्योंकि मैं सच्ची ऑनेस्टली स्पीकिंग शहद वर्षा जल वर्षा मेरे को ये सब कुछ नहीं पता था, और ना ही मेरे को लगता था कि ऐसा मतलब है क्या, मतलब मेरे को मैं कंफ्यूज हो जाता था। बट जब मैंने देखा कि मिश्री निकल रही है गुरुजी के ब्रेसलेट के पीछे से, तब मैं थोड़ा सा ना वो हो गया कि ये कैसे हो गया, मम्मी को दिखाया सबको दिखाया, तब जाके मेरा और डीप कनेक्शन हुआ गुरुजी को। तब से तो मैंने गुरुजी को लाइक अपना गार्डियन एंजल अपना लाइक सब कुछ मांग वो कर लिया था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी या कोई टेंशन आती थी तो मेरे मुंह से सबसे पहले गुरुजी का ही नाम निकलता था। सो मेरा बहुत डीप कनेक्शन हुआ गुरुजी के साथ। एंड शायद मैंने कुछ कुछ थोड़े ना वो हो गया था बीच में, स्किन का दिक्कत हो गया था, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया, वो क्योरेबल नहीं था। वैसे डॉक्टर ने बोला था कि मैं डॉक्टर गूगल हर जगह था कि भाई वो डिजीज़ क्योरेबल नहीं है, पर वो क्योरेबल हो गया, वो निकल गया, ठीक हो गया, कम होता गया, कम होते 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 मतलब अभी थोड़ा थोड़ा है बट ख़त्म हो गया है, मान लीजिए कि आप बहुत ही कम हो गया, वो तो भाई कम होने का भी उसमें चांस नहीं था, तो कम हो गया है। एंड तो यही है मेरा बहुत गुरुजी के साथ कनेक्शन रहा है। हम मेरा एग्ज़ाम भी था और मैं बहुत परेशान हो गया था, गुरुजी कुछ भी करके 1 दिन की छुट्टी करवा दो, कुछ भी करके 1 दिन की छुट्टी करवा दो, मेरा कुछ कुछ सिलेबस अभी पेंडिंग है। गुरुजी ने रिवीजन जो था तो गुरुजी ने 1 दिन की और छुट्टी पढ़वा दी, स्कूल से मैसेज आया कि अगले दिन एक हॉलीडे और है क्योंकि रैली कुछ थी जहाँ तक मेरे को याद है। तो गुरुजी ने अभी ड्रीम दर्शन भी दिया था मेरे को, मतलब गुरुजी येल्लो चोले में खड़े थे एंड उनके बगल आसपास में लोग थे। फिर दोबारा गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया था जिसमें मैं गुरुजी के बगल में खड़ा हूँ, मैं कुछ गुरुजी से बोल रहा हूँ मांग रहा हूँ एंड गुरुजी भी कुछ जवाब देने, मेरे को याद तो नहीं आ रहा क्या है वो। एंड बहुत बहुत ज़्यादा ड्रीम दर्शन भी हुए हैं। गुरुजी ने एक बार ड्रीम दर्शन ये भी दिया था कि मंत्र जाप किया कर, बहुत मतलब ना छोटी छोटी इश्यूज हो जाती है ना, कुछ कुछ में चीज़ भूल जाता हूँ, मैं गुरुजी का नाम लेता हूँ वो सामने आ जाता है। मैं कभी कभी मेरे को मैं स्कूल में थोड़ा सा जैसे ही मैं कपड़ा वपड़ा चेंज करता हूँ लेट हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अब तो लेट हो गया लेट हो गया, पर जब मैं नीचे आता हूँ तो देखता हूँ अभी तक तो बस ही नहीं आई है। मैं गुरुजी को बोलता हूँ गुरुजी मैं स्कूल में लेट ना हो जाऊँ, पर जैसे ही मैं नीचे आता हूँ देखता हूँ अभी तक तो स्कूल की बस ही नहीं आई है। तो बहुत ही ज़्यादा गुरुजी का मेहर है, ब्लेसिंग्स है। फैमिली के ऊपर भी गुरुजी ने बहुत प्रेस करा है। मेरी सिस्टर्स के भी 94% आए हैं 12th में, तो बहुत ही ब्लेसिंग्स रही है गुरुजी की। बहुत मेरी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, सबका लाइफ एकदम वो कर दिया है गुरुजी ने, तो ये मेहर है गुरुजी का। आज मैं इतना ही जहाँ तक मेरे को याद था उतना मैं आप लोग को सुना दे रहा हूँ, बाकी मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, संगत जी, गुरुजी अपने चरणों में हम लोग को रखें। जय गुरुजी।